Namaskar. We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. Umar Aman Academy के educational video में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस topic पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो मेरा सबसे favorite topic है। आज जो हम चर्चा करेंगे, वो pivot point पे चर्चा करेंगे। उसका नाम है पिवट। ये एक अभी तक मिथ है कि पिवट्स को जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पिवट को आप किसी भी टाइम फ्रेम में, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम में जो है वो आप पिवट को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस की हर एक थ्योरी को आप पिवट पे यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एलियट वेव एंड गैन। आप पिवट से फॉरकास्ट कर सकते हैं, आप पिवट से काफी लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स और 20 इयर्स पे का, मतलब इस सारे टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो है वो साइकिल किस तरह से वर्क कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अभी किस तरह का है और आने वाले समय में किस रेंज तक, मतलब कितना ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी को भी आप फॉरकास्ट कर सकते हैं। मतलब रेंज का फॉरकास्ट मतलब वॉलेटिलिटी कितना ऊपर नीचे मार्केट में हो सकता है। तो पिवट पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डे ट्रेडिंग टूल नहीं है, और इस मिथ को हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट, क्योंकि हम ये पूरी सीरीज को जो है वो आपके सामने ला रहे हैं, तो उसमें हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक डे ट्रेडिंग टूल नहीं है। इसीलिए आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम जो पहली बुक है पिवट पे लिखी हुई पहली बुक है और अभी की मोस्ट फेवरेट जो फेमस बुक है पिवट बॉस, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में लगभग 40 साल का अंतर है इस दोनों बुक के बीच में। पहला बुक जो है और अभी जो पिवट बॉस जो आया हुआ है, इस 40 साल में भी जो इन बिटवीन जितने भी पिवट पे बुक लिखे गए हैं, हम उन सब की भी चर्चा करेंगे ड्यूरिंग वीडियो, तो इसलिए आप पूरे एंड तक देखते रहिएगा। आज जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन है। पिवट जो है वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था पिवट का, वो किस तरह से हुआ था, उस समय जो है मार्केट एनवायरनमेंट में इसको किस तरह से यूज किया जाता था। बेसिकली जो है वो कमोडिटी ट्रेडर्स जो थे, फ्लोर ट्रेडर्स, वो इसको एक डे ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन ये सबसे पहले यदि डिटेल में यदि किसी बुक में इसको लिखा गया है, तो वो वेल्स वाइल्डर की बुक में लिखा गया है। बुक का नाम है न्यू कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। और सबसे बड़ी खासियत इस बुक की ये है कि ये, मैं इसको बाइबल कहता हूं, क्योंकि इसमें लगभग 8 से 9 ट्रेडिंग सिस्टम लिखे हुए हैं। ये लगभग आप यदि आप देखेंगे तो मेरे मुझे लगता है 1975 से 78 के बीच में ये बुक जो है वो फर्स्ट एडिशन जो है वो इसकी पब्लिश हुई थी, और उसमें सारे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम है। और उसमें जो मोस्ट पॉपुलर अभी हमारा इंडिकेटर है मार्केट में, जिसको ब्रॉडली यूज किया जाता है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी उसी बुक में लिखा हुआ है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, EDX जो है, जो डायरेक्शन के स्ट्रेंथ को बताता है, वो भी उसी बुक से लिया गया है। हमारा पिवट पॉइंट जिसपे आज हम डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे, वो भी उसी बुक में लिखा हुआ है। पैराबोलिक सार भी जो है उसी बुक में लिखा हुआ है। इनफैक्ट सुपर ट्रेंड, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का जो वन ऑफ द फेवरेट है, वो सुपर ट्रेंड जो है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है, उस वो सिस्टम भी उसी बुक में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर आप वहां यदि उस बुक को जो है रेफर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें 8-9 ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसमें मेंशन है। तो ये तो पहली बुक हुई, डिटेल्ड बुक, पहली डिटेल्ड बुक है जिसमें पिवट पॉइंट के लिए जो है वो लिखा गया है। तो वेल्स वाइल्डर साहब ने जो ट्रेडिंग रूल्स दिए थे, पहले वो मैं बता दूं डिस्कशन करने से पहले, वो थे कि आपको B1 जो है वो बाय पॉइंट था, जो कल के हाई लो क्लोज से लिया गया था। पिवट का वही सिंपल फॉर्मूला है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3। B1 जो बाय पॉइंट है वो हम आज उसको S1 कहते हैं, सपोर्ट 1, और S1 जो यहाँ पे सेल पॉइंट लिखा हुआ है वो हम आज जो है वो R1 कहते हैं, और HBOP जो है हाई ब्रेकआउट पॉइंट वो हमारा R2 है, और लो ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो हमारा S2 है। ये उन्होंने अपने बुक में मेंशन कर रखा है, आप इसको गूगल करेंगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट जो है वो मिल जाएगा। तो आज जो है वो जनरल टर्म्स में हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि R2 जो हो गया वो हमारा पिवट प्लस रेंज हो गया। पिवट का प्रीवियस डे का रेंज को जब मार्केट कंप्लीट करता है तो उस पॉइंट पे जो है वो हमारा R2 होता है, वहां से एक नया ट्रेंड, मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो जाता है। उन्होंने जो मेंशन कर रखा है अपने बुक में, तो उन्होंने क्या किया है कि इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, तो बेसिकली R1 और S1 जो होता है
जो आपको B1 या S1 यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने वेल्स वाइडर साहब के हिसाब से लिखा हुआ है। तो S1 और B1 के बीच में मार्केट जो है वो एंटी ट्रेंड मोड में रहता है, और जब कभी भी R2 के ऊपर या S2 के नीचे चला जाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, राइट। तो ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ जो है वो एज पर बुक में लिखा हुआ है 2 डे लो का ब्रेकआउट के हिसाब में, ब्रेक डाउन जब तक नहीं होगा तब तक उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, और 2 डे हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और हमको अपने उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है। ये एक इसमें जो है वो कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। ये मैं भी ये बताने वाला हूँ क्योंकि आपको वो भी मिथ यहाँ पे अभी टूट जाएगा। लोग जो है वो पिवट पॉइंट को डे ट्रेडिंग के लिए जो है यूज करते हैं, जबकि आप यदि वेल्स वैलर के बुक को रेफर करेंगे तो उन्होंने जो है वो सेम डे एग्जिट तो दिया ही नहीं है। ये एक कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी लिखा हुआ है और आपको जो है वो हर वक्त आपका मार्केट में एक ओपन पोजीशन रहता है और वो नेक्स्ट डे और उसके आगे जो फिर फर्दर सिग्नल आता है तो उसके हिसाब से उसमें एग्जिट होती है। तो डे ट्रेडिंग के लिए ही इसको यूज नहीं आजकल करते हैं क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है, लेकिन बुक में जो है वो एक कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है वो ट्रेडिंग रूल हुआ वेल्स वाइल्डर के बुक के हिसाब से। लेकिन ये पॉइंट जो है उन्होंने लिखा हुआ है और इस ये कहीं भी डिस्कशन नहीं होता है। उन्होंने जो लिया है वो किसी भी यहाँ पे स्विंग लो लिया है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, चूंकि ये स्विंग लो है यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बुना है तो यहाँ से काउंटिंग उन्होंने स्टार्ट किया है। BOS बी मतलब जो है वो बाय डे होता है, एस मतलब सेल डे होता है, ओ जो है वो कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है एक्सेप्ट ट्रेंडिंग। मतलब यदि उस दिन मार्केट यदि R2 या S2 का ब्रेकआउट दे देता है तो वो सिग्नल लेना है, लेकिन R1 और S1 का रिटेस्ट यदि होता है तो वो ट्रेड को नहीं लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे यदि बाय किया है और दूसरा ओडे है तो इस दिन आपने ट्रेंडिंग यदि R2 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बाय है तो आपको बाय ट्रेड वो इनिशिएट नहीं करना है, लेकिन यदि यहाँ पे मार्केट यदि नेक्स्ट डे यदि डाउन चला जाता है तो आप बाय से सेल में जाएंगे लेकिन फिर आपको बाय नहीं करना है। तो ये BOS का जो है सीक्वेंस चलता रहता है, BOS फिर यहाँ से BOS फिर BOS BOS और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो बाय डे को आपको जो है वो बाय करना है, सेल डे को सिर्फ और सिर्फ सेल करना, ओ डे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यदि मार्केट ट्रेंडिंग मोड में जाता है तो करना है। यदि आप यदि यहाँ पे यदि बाय डे को बाय किया S1 पे और वो मार्केट जो है वो S2 के नीचे चला जाता है तो आप जो है स्टॉप एंड रिवर्स यहाँ पे करते हैं, ये भी बुक में मेंशन है क्या हुआ है। तो ये तो हमने बुक में किया है, अभी जो है वो इसका एडवांस वर्जन जो है वो हमारा मोस्ट फेमस जो अभी बुक है पिवट बॉस जो फ्रैंकलिन ओकोवा ने लिखा है वो है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल पिवट रेंज और बहुत सारे जो है उन्होंने खुद के भी वैल्यू एडिशन किया, और बेहतरीन बुक है पिवट पे यदि लिखी हुई यदि कोई भी अभी तक की सबसे बेहतरीन बुक है तो वो पिवट बॉस ही है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर तो पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये आज हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये सबसे पहला बुक है जो पिवट में लिखा हुआ है और पिवट पे जो है वो किस तरह से यूज करते थे उस वक्त उसको मैंने आपको बताया है। तो आइए ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, हम चार्ट पे इसको आज जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे पिवट लाइन जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं एज पर वेल्स वाइल्डर ने जो लिखा है ट्रेडिशनल है, यहाँ पे फिबोनैकी क्लासिक बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कैमरिला ऑटो में जो है वो जिस तरह से आप टाइम फ्रेम जो चेंज करते जाएंगे तो इसका पिवट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। यदि ऑटो में जाएंगे तो 15 मिनट पे जो है वो आपको डेली टाइम फ्रेम का पिवट आपको मिलेगा, आवरली पे चले जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम का मिलेगा, डेली पे जाएंगे तो मंथली मिलेगा और वीकली पे जो है वो ईयरली मिलेगा, और आप मैनुअली भी जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि आपने वीकली रखा तो इसमें वीकली भी आ जाएगा, तो ये इस तरह से जो है वो आप चेंजेस जो है इसमें कर सकते हैं। एक मिनट मैं इसको, ये 2 दिन का 2 वीक का डेटा है, अभी बहुत ही ज्यादा हो गया है क्योंकि आप इस तरह से जो है वो कुछ अपने हिसाब से। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, हमने यहाँ पे जो है वो पिवट पॉइंट का ट्रेडिशनल लिया है। आप जाएंगे यहाँ पे पिवट पॉइंट पे ये ट्रेडिशनल ले रखा है, यहाँ पे जो है वो कैमरिला फिबोनैकी और भी सारे कई ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल पिवट की बात कर रहे हैं। लुक बैक पीरियड जो है वो 15 है और पिवट का टाइम फ्रेम जो है वो ऑटो है, यहाँ पे डेली वीकली मंथली क्वार्टरली और बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपके सामने अवेलेबल है। आप जिस तरह से टाइम फ्रेम को चेंज
चेंज करते जाएंगे, पिवट भी जो है वो चेंज होता जाएगा। यदि आप 15 मिनट के चार्ट पे हैं या 5 मिनट के चार्ट पे हैं तो आपको डेली का पिवट आपको मिलेगा। ये आपका कल का मार्केट है, कल का मार्केट ने जो है वो R2 के ऊपर भी जो है वो क्लोजिंग दिया है, यानी कि एज पर वेल्स वाइल्डर ये मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो गया। जब कभी भी R2 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, R2 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमारा ये मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो जाता है। ये निफ्टी का है, यदि 15 मिनट पे देखें तो मार्केट ने R2 के ऊपर कल क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है डेली बेसिस पे। यदि आवर्ली चार्ट को यदि हम कर देते हैं तो एंटी ट्रेंड मोड में ही है, क्योंकि R1 के ऊपर गया है, यहाँ पे इसने R1 के ऊपर ही गया है, R2 और S2 के अंदर ही है, यानी कि वीकली बेसिस पे हमारा ब्रेकआउट नहीं आया है, यानी कि वीकली ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर हाँ डेली ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। फिर हम जब इसको डेली टाइम फ्रेम पे यदि चले जाएंगे तो हमारा ये मंथली पिवट हुआ है, ये मंथली पिवट जो है वो आपको सारे दिख रहे होंगे सारे का, तो ये जो है अभी कल जो है वो मंथली पिवट के जस्ट ऊपर में जो है वो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो अभी भी जो है ये यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में ही है, रेंजिंग मार्केट ही है हमारा जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है ऑन ए मंथली बेसिस। तो ये तीन टाइम फ्रेम की जो है वो आज हमने डिस्कस किया है वेल्स वाइल्डर के बुक के हिसाब से। तो आशा करता हूँ हमारा पिवट पॉइंट पे जो है वो पहला एपिसोड जो है वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट को जो है वो जरूर भेजें। थैंक यू, नमस्कार।